हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन के द्वारा, प्रशासन सत्ता के द्वारा हम सबको जबरदस्ती रोका गया कि पुतला दहन नहीं कर सकते हैं। हम लोग बोले भी हैं कि न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे, बट मजिस्ट्रेट साहब आए उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, यहाँ 144 धारा लागू है, आप लोग अगर करेंगे तो सब पे FIR करेंगे, सबको जेल भेजेंगे। अच्छा, ये तो गलत है, इसके पहले भी आप लोग कहीं हजार बार पुतला यहाँ कारगिल चौक पर दहन किया गया है। आज तक 10 दिन पहले भाजपा का यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम था, तो इसमें 144 रुपये में नहीं था क्या? 10 दिन में कानून बन गया है, इनकी सरकार ने विधानसभा खुला नहीं तो कानून का पाठ करा लिए। हम लोग आजाद हैं, हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आजाद है, उसके बाद भी मना किया जा रहा है, ये तो सरासर जबरदस्ती है। अच्छा, इसमें मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का, कल मुख्यमंत्री का उन्हीं का इशारे पर बताया जा रहा है। क्या लग रहा है कि आपको जो है जैसे कार्रवाई हो रही है लगातार उन पे प्राथमिकी दर्ज हो रहा है, क्या आपको कैसे लग रहा है? 14 साल जिस समय नीतीश कुमार के साथ थे उस समय दुर्दांत अपराधी वो नहीं थे, आज आतंकवादी हो गए, UPPA का धारा लगा दिए, अब क्या समझ रहे हैं? निरंकुश शासन नहीं चलेगा, जी आपको जवाब देना पड़ेगा। और 2020 में आपका 2005 के बाद वो कभी गए नहीं अपने घर, उसके बाद भी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बोला है कि 14 साल से अपने जो पैतृक आवास है वहाँ पे नहीं गए हैं। राजकुमार सिंह, इतना शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपना विरोध प्रकट करने आया है कि एक भी टेम्पो मोटरसाइकिल किसी को नहीं बाधित हो रहा, कुछ नहीं। हमें समझ में ये नहीं आता है कि हम भारत जैसा स्वतंत्र देश में पल रहे हैं या सीढ़िया जैसा तानाशाही में। अनंत सिंह इस देश का सबसे बड़े आतंकवादी है, जब तक नीतीश कुमार के साथ थे तब तक कोई आतंकवादी नहीं थे, वो अपने घर पे नहीं रहते हैं और उनके घर में हैंड ग्रेनेड फेंक दीजिए, 47 फेंक दीजिए, 56 फेंक दीजिए, या तो किसी के साथ भी करवा सकते हैं। राजनीति साजिश कीजिए, साजिश के तहत इनको परेशान किया जा रहा है और लगातार पीछे हर 2-3 दिन पर कोई ना कोई नया मामला खड़ा किया जाता है और इसका नतीजा नीतीश बाबू को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अभी जो है सरकार के विपक्ष में है और अनंत सिंह जो है पहले नीतीश कुमार के साथ थे, उस समय इन्होंने साथ काम किया, तो क्या उसके बाद क्या हो गया? नीतीश कुमार पहले भी अनंत सिंह के ऊपर CCA एक्ट लगाए ताकि ये जेल से बाहर ना निकल सके, ठीक है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इनके ऊपर झूठा केस करके फंसा दिया गया और जेल भेज दिया गया। इस बार भी विधानसभा चुनाव आने वाला है तो इनके ऊपर एक से एक मुकदमा ठोका जा रहा है, वजह मैदान से बाहर ये चल जाए बेउड़ जेल और इन लोगों के रास्ते का डोरा हट जाए। अनंत सिंह इतने बड़े मूर्ख आदमी नहीं है कि बिहार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं डायरेक्ट और अपने घर में रखेंगे? आप रखिएगा, आपके ऊपर एक साधारण केस होगा, उसके बाद आप अपने घर में एक पिस्टल रख सकते हैं, नहीं रखिएगा, एक छुरा नहीं रखिएगा, एक कट्टा नहीं रखिएगा। और अनंत सिंह जनप्रतिनिधि होकर इतने बड़े मूर्ख हैं जो अपने घर में संतान लोग एकजुट होके आवाज उठाएंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं है, जैसे होगा हम लोग आवाज उठाएंगे, रुकने वाले हम लोग नहीं है। अगले दिन शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट मना करेगी तो हम लोग रुकने वाले नहीं है। कारगिल चौक पे देख रहे हैं, कारगिल चौक पे पूरे भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है और इन्होंने शांतिपूर्ण पुतला दहन करने के लिए मांग की थी, अभी उसमें क्या जो है रुकावट आ रही है, प्रशासन से इन्होंने बात भी किया और आगे क्या मतलब प्रशासन क्या आगे अगर जो आज अनुमति नहीं देती है तो मंगलवार को हम सब आत्मदाह करेंगे एक अन्य मार्ग जाकर। आत्मदाह में कोई नहीं रोक सकता है, धारा 144 कहीं लागू नहीं होता है। अगर जो अनुमति अभी 10 मिनट के अंदर नहीं देते हैं तो आत्मदाह करेंगे। मतलब अभी प्रशासन के द्वारा क्या बोला गया? प्रशासन के द्वारा बोला गया है कि यहाँ कारगिल चौक पर 144 लगा हुआ है, यहाँ पर करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, आपको शांतिपूर्ण भी नहीं करने देंगे, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, यहाँ नहीं करने देंगे। सीधा सवाल, शासन और सत्ता का दुरुपयोग करके प्रशासन हम सबको हमारा आवाज दबाना चाहती है, उनके समाज को आवाज को दबाना चाहती है, उनके साथ हम सब खड़ा हैं, अडिग हैं, जब तक अनंत सिंह को न्याय नहीं मिलेगा हम सब फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं।
देख रहे हैं समर्थकों में किस तरह का यहाँ पे अभी गुस्सा है, और गुस्सा जाहिर करने के लिए आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने कारगिल चौक पे आपको भीड़ दिख रहा है, और प्रशासन के लोग भी सुरक्षा के मायने में यहाँ पे तैनात है। प्रिय रंजन जी है जो कि अनंत सिंह के समर्थक है, और सभी इनके ग्रुप के लोग अभी कारगिल चौक पे। प्रशासन से क्या आप लोगों की अभी बात हुई? प्रशासन से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम लोग को डिसिप्लिन के में पुतला दहन किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि एक दबा कुचला जो आवाज़ है अपने समाज का, जो माननीय विधायक के साथ हो रहा है, तो हम लोग जो आम जनता है, आम मानस है, उसके साथ क्या होगा, ये हम पूछना चाहते थे अपने सरकार से। क्योंकि हम उस सरकार को वोट दिए हैं, हम उस सरकार का वोटर हैं, और ये यहाँ के युवा हैं, तो हमारा हक बनता है। लेकिन हमें सर ने बताया कि यहाँ परमिशन नहीं है, जबकि हम पहले से कांग्रेस पार्टी में भी हैं। कांग्रेस पार्टी का हमने कितना बार यहाँ पुतला दहन किया है, एक बार नहीं बहुत सारा बार, लेकिन कभी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी है, ना ही हमने कभी परमिशन लिया है। फिर आज परमिशन की जरूरत क्यों है, हम ये जानना चाहते हैं कि आज क्यों मना किया जा रहा है कि पुतला दहन नहीं किया जाए। उस आदमी पर रोज एक केस हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति के साथ क्यों हो रहा है। क्यों लोकतंत्र में कोई किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? तो आप ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसा नीति बनाइए। आपका पूरा सरकार है, आपके पास पूरे नेते हैं, पूरे संख्या में लोग हैं, संसद में भी, विधानसभा में भी, आप ऐसे ऑर्डिनेंस पास करें जिससे कि चुनाव नहीं हो, चुनाव प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए। हम लोग भी चैन से रहेंगे, सारी जनता चैन से रहेगी। जो बहुत सारा खर्चा होता है वो खर्चा पे रोक लगेगा, बिहार में और भी कुछ विकास देखने को मिलेगा। यही सब है जो कि हम अपने सर से अभी कह रहे थे, लेकिन माननीय सर इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है, परमिशन देने के लिए तैयार नहीं है, कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए क्योंकि हम लोग अनंत सिंह के लिए पुतला फूंकना चाहते हैं। तो क्या आप लोग को परमिशन मिला? नहीं मिला। अच्छा, इसके बाद अब ये मतलब थाना प्रभारी से बात की है? जी बात की, अभी बात कर रहे थे हमारे सर यहीं पे, इंस्पेक्टर साहब जो गांधी मैदान थाना के इंस्पेक्टर हैं वो सर यहीं पे हैं। यहाँ पे समर्थकों से ये बोला गया कि 144 धारा लगा हुआ है, यहाँ हाई कोर्ट का चलता है, आप क्या मानते हैं? सर बोले, हम सुने कि यहाँ हाई कोर्ट का चलता है, आप बोल रहे हैं कि सरकार यहाँ पे हमको दबा रही है, हमारे अनंत सिंह के समर्थकों को दबा रही है, क्या आप बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, हमने पहले भी यहाँ पुतला फूंका है, तब हमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, फिर आज परमिशन की जरूरत क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। बताइए, आप जो है अभी 4 बजे आप लोगों का यहाँ कारगिल चौक पे जो प्रदर्शन था और यहाँ पे जो पुतला दहन तक है, क्या अभी रुकावट क्या आ रही है इसमें? देखिए, कारगिल चौक पे इसके पहले हमने हजारों बार पुतला दहन किया है बिना कोई परमिशन के, लेकिन जब आज हम कारगिल चौक पे आए तो प्रशासन के द्वारा हम लोग को मना किया गया। मतलब प्रशासन इसलिए मना कर रही है कि यहाँ पर आप बिना परमिशन का पुतला नहीं फूंक सकते। तो मैंने प्रशासन से भी पूछा कि मैंने यहाँ पर 1000 बार पुतला दहन बिना परमिशन के किया है, आज को नहीं कर सकते हैं? चाहे अनंत सिंह का प्रकरण के चलते सरकारी मना किया होगा, सरकार का सख्त निर्देश होगा कि अनंत सिंह का अगर समर्थक या अनंत सिंह के समाज के लोग अगर आके पुतला दहन कर दें तो उनको मना किया जाए, विरोध उनको पकड़ा जाए। तो आगे अगर प्रशासन से मतलब अनुमति नहीं मिलती है तो क्या आप लोग कहते हैं यहाँ इतनी समस्या? देखिए, प्रशासन का अनुमति मिले चाहे नहीं मिले, विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। हम शुरू से ही लड़े हैं, हम 90 के दशक में भी लड़ाई लड़ेंगे, और 2019 में नीतीश कुमार के भी जो सत्ता से कुकर्मी का सरकार है, इनसे भी हम लड़ेंगे। हमारा इतिहास ही लड़ने वालों में से रहा। क्या बोलेंगे? अगर देखिए, अगर ये साजिश है तो इसके तहत सरकार को जाना चाहिए। जब तक ये साजिश का पर्दाफाश नहीं होगा, हम लोग कोई चुप बैठने वाले नहीं हैं। और बात रही अनंत सर उनकी, तो उन्होंने कई साल तक राजनीति में रहे हैं, और राजनीति में रहने के बाद वो भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। माननीय है, जनता उनको चुन के, उनको जनता चुनी है, हम लोगों ने उनको चुना है, और हम चाहते हैं वो हमेशा नीतीश कुमार जी उनको सम्मान दे, और हम लोग भी उनको सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, पहले उन्होंने बोला सम्मान दे, इसके पहले भी नीतीश कुमार के साथ थे और उसके उस समय सही थे, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद जब यहाँ पे आए तो हम जहाँ तक के सुन रहे हैं रिपोर्टेशन उनका खराब चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को किसी के साथ। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सबको एक साथ रहना चाहिए ताकि कोई इसको अखंड ना कर सके। ये बताइए कि नीतीश कुमार के पहले साथ थे, अब जो है विपक्ष में है, तो क्या मतलब पहले सही था आप लोग? मतलब पहले साथ मतलब तो ठीक थे, अभी साथ छोड़ दिए तो उनके घर में एक पीछे में रखवा दिया गया, उनको आतंकी घोषित कर दिया गया, आखिर कितना चलेगा? जो विरोध करेगा उसको आप बताइए करवा दीजिएगा, सरकार में हाइड कर दीजिएगा, कितना और दिल
देखिए आप देख सकते हैं अभी जो कारगिल चौक पे नीतीश कुमार के खिलाफ नीतीश कुमार मुद्दा साहब का नारा लगाते हुए और समर्थक आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, राजस्थान जिंदाबाद, 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 वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, राजनेता की बेटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, राजनेता की बेटी को बर्खास्त करो। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।